अस्सलामुअलैकुम जी और वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार इस वीडियो की अपडेट ये है कि आज है जी सैटरडे 19 नवंबर एंड टुमारो इज संडे 20 नवंबर, जो कि ऑब्वियस ही बात है आज 19 है तो कल 20 ही होगी। तो कल भाई का एक टेस्ट है जी, दैट इज गैट जनरल। फॉर दोज हु डोंट नो कि यार ये गैट जनरल क्या चीज है, तो इट इज बेसिकली एन एंट्री टेस्ट कंडक्टेड बाय NTS और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान रिक्वायर्ड अ गैट जनरल फॉर एडमिशन इन मास्टर्स। तो भाई की भी ग्रेजुएशन को हो गए यार ऑलमोस्ट 2 to 3 months। भाई ने भी यही सोचा कि यार अपने टाइम को जया नहीं करना चाहिए और जो टाइम अवेलेबल है उसे किसी और चीज में कंज्यूम कर लेते हैं। तो कल देने जा रहे हैं जी हम अपना इस गैट जनरल का टेस्ट और उम्मीद है कि हम इस टेस्ट में पास भी हो जाएंगे, क्योंकि फॉर द कपल ऑफ डेज आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। लेट्स सी। और यार भाई भी अब ग्रेजुएट हो चुके हैं और वो जो लोग नहीं कहते थे कि आप मैट्रिक कर लो कॉलेज में तो सुकून ही सुकून है, कॉलेज में आया वही लोग कहते थे कि यार अब यूनिवर्सिटी में तो बहुत सुकून है, कॉलेज में थोड़ा हार्ड टाइम है पर ये यूनिवर्सिटी में बहुत सुकून है। फिर जब हम बैचलर्स में आए तो उसके बाद हमें इस बात का अंदाजा हुआ है कि यार सुकून तो कहीं भी नहीं है सिवाय कब्र के, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं। बैचलर्स करने के बाद हमें यार इस बात का अंदाजा हुआ कि आपके पास अगर कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है या आप किसी स्पेशलाइज फील्ड के माहिर नहीं है तो आपकी कोई भी डिमांड नहीं है। तो बस यही है कि यार अब हमारा भी कल गेट का टेस्ट है और सून इंशाल्लाह हम भी MS में इनरोल्ड हो जाएंगे, देखते हैं कल का टेस्ट कैसा जाता है। और आज दूसरी बात ये भी है कि यार खान साहब भी आ रहे हैं और उनकी वजह से रास्ते वगैरह भी बंद हैं। अब देखते हैं कल हमारा टेस्ट हो पाता भी है कि नहीं, अगर रास्ते बंद हुए तो फिर तो चांसेस हैं कि जी टेस्ट वगैरह डिले हो जाए। अभी हो रहा है जी 8, तो उम्मीद तो ये है कि अब डिले नहीं होगा, क्योंकि अब अगर डिले होता तो वो पहले बता देते। तो अभी तो हमें ऐसी कोई ना मेल आई है ना मैसेज आया, तो होप्स हो कि कल हमारा टेस्ट हो जाएगा। आज आप एक और चीज भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यार बैकग्राउंड वगैरह चेंज है, तो इसका मतलब है कि मैं अपने कमरे में नहीं मौजूद। बिल्कुल ऐसा ही मतलब है जी कि आज हम अपने कमरे से वीडियो नहीं बना रहे। मेरा वाला जो रूम है यार वो एक बिजी रूम है, तो उसमें घर वाले आते जाते रहते हैं जिसकी वजह से बंदा फिर डिस्टर्ब होता रहता है। तो मेरी शुरू से आदत यही रही है यार कॉलेज देन यूनिवर्सिटी और अब ये गेट का टेस्ट भी, जब भी पेपर्स या टेस्ट वगैरह होता है तो मैं अपने रूम से उठकर इस रूम में आ जाता हूँ कि ये वाला रूम इतना बिजी नहीं है, तो फिर हम सुबह से लेकर शाम तक नहीं रात तक इसी बेड पर बैठे रहते हैं, तैयारी वगैरह करते रहते हैं। ये चेक करें लैपटॉप शैपटॉप रखा हुआ है, बस यही सीन है। चलो आज के लिए बस इतना ही, तो सैटरडे का ब्लॉग यहाँ पर करते हैं खत्म। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल सुबह मॉर्निंग में, तो दुआ करना यार भाई का टेस्ट अच्छा हो जाए। बस सुबह मिलते हैं, ओके अल्लाह हाफिज़। ओके अभी तक इधर ही हो, सुबह मिलते हैं ना। Many unbearable hours later. Assalamu alaikum ji aur welcome back. The next day, Sunday morning. Abhi ho rahe hain ji 10 o'clock ho raha hai. Bhai nahat hoke full on ready hai. Subah namaz ke liye utha tha, namaz padhi thi, phir so gaye the. क्योंकि रात को जो है भाई वो जस्ट फ्रेशिंग द माइंड, रात को एक मूवी देख रहे थे उसकी वजह से वो थोड़ी लेट खत्म हुई, तो हम रात को 1:30 बजे उठ गए थे। तो अभी बस यही है रहा कि कुछ 4-5 सफ़े लिखे हुए थे नोट्स वगैरह के, अभी आपको दिखाता हूँ। ये जी भाई ने कुछ नोट्स वगैरह लिखे हुए थे, तो अभी बस इसी को गो थ्रू कर रहे हैं और देखते हैं व्हाट विल हैपन, क्योंकि पेपर जो है वो जनरल सा आएगा, 2 बजे टेस्ट है, तो घर से निकलेंगे ऑलमोस्ट 12:30 और आज के टेस्ट में GC साहब भी है हमारे साथ, GC साहब अब्दुल गफार माय यूनिवर्सिटी फेलो, हिम सेंटर है हमारा NTS का हेडक्वार्टर। 2 hours later। अच्छा जी, तो वी हैव अराइव्ड एट द टेस्ट सेंटर और मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं कि NTS की बिल्डिंग है और दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। पहले जो मैंने NTS और NET वगैरह दिया है उसमें जो टेस्ट सेंटर्स होते थे वो अमूमन मुख्तलिफ कॉलेज बनते थे, बट दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस के यार मैं NTS के हेडक्वार्टर में कोई टेस्ट दे रहा हूँ दैट इज कंडक्टेड बाई NTS, तो लेट्स सी हाउ दिस एक्सपीरियंस गोस। और दूसरी बात ये कि GC साहब हमेशा की तरह आज भी लेट हैं, ये है कि अभी टेस्ट शुरू होने में 40 to 45 minutes हैं, भी उनका इंतजार करते हैं, वो आए तो फिर इंशाल्लाह उनके साथ ही अंदर जाएंगे। बाय द वे मैं घर से सोच के निकला था कि यार इस्लामाबाद जाना है, ठंड होगी, सुबह का टाइम है, हो सकता है ठंड हो, तो मैं जैकेट वगैरह पहन आया हूँ, पर अब यहाँ पर आया हूँ तो यार यहाँ पे तो इतनी तेज धूप है और अब बहुत सख्त गर्मी लग रही है। Many unbearable hours later. तो वेलकम बैक जी फ्रॉम द रूम, और यार टेस्ट सेंटर से निकला हूं, तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि यार मैंने व्लॉग भी शुरू किया हुआ है और व्लॉग भी बनाना है, तो भाई बिल्कुल भूल ही चुका था कि यार हम व्लॉग भी बना रहे हैं। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएंगे पूरे व्लॉग में मैं कहता
करता रहूं, जी जीसी साहब ये, जीसी साहब वो, जीसी साहब आ रहे हैं, जीसी साहब लेट हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, पर पूरे व्लॉग में कहीं पे ना आपको जीसी साहब को दिखाया है ना आपको कहीं पे जीसी साहब की आवाज सुनाई दी है। कोई नहीं, खैर है यार, होता रहता है, अब जहन से ही निकल गया था, अब क्या करें। तो यार जहां तक टेस्ट की बात है तो टेस्ट बहुत अच्छा हुआ, नो डाउट, जितनी हमने तैयारी की थी उस लिहाज से बहुत अच्छा हो गया। कितना अच्छा हुआ ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। पहले मैं सोच रहा था कि यार ये वाला ब्लॉग जो है पहले रिजल्ट आ जाए, फिर उसके बाद एक ही ब्लॉग बना देंगे जिसमें शुरू में तैयारी आ जाएगी, फिर टेस्ट आ जाएगा, फिर एंड में उसका रिजल्ट आ जाएगा। बट ये कि एनटीएस टेस्ट का रिजल्ट आएगा ऑलमोस्ट 1.5 वीक के बाद, तो अब उस टाइम तक इस ब्लॉग को रोक के रखना मुझे नहीं समझ आती। बट ये कि जब टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो आपको वो एक सेपरेट ब्लॉग बना के दिखा देंगे कि जिस हिसाब का रिव्यू हमने आपको लाजमी लेकर देना, क्योंकि कल हम जिस हिसाब से मिल रहे हैं इस व्लॉग में आपको जीसी साहब को लाजमी दिखाएंगे। कल वाले व्लॉग में जो था हमने आपको एक चीज नहीं बताई थी और वो है जी जीसी साहब, आपका कल वाला पेपर कैसा हुआ है? बड़ा आसान था जी, बड़ा आसान था, मुझे तो इसने बोला कि बड़ा आसान था, वही ना, बड़ा आसान था। अलबत्त 10 MCQ जो आखिरी कर रहे थे, बड़ा टाइम मैनेज ही नहीं हुआ भाई, बात है। ये मैं आपसे इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले व्लॉग में ना मैंने कोई 10 से 12 दफा आपका नाम लिया और घर आके मुझे याद आया कि आपको व्लॉग में तो दिखाया ही नहीं था इसलिए मैंने कहा ये अभी थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्ड कर लें। तो इधर ही करते हैं जी अपने इस एनटीएस वाले व्लॉग को खत्म और आपको मिलेंगे जल्द इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। कल हमने जाना है जी गुजरात, और क्यों जाना है, किस लिए जाना है, क्या वजह है जाने की, तीनों बातों का एक ही मतलब है, क्यों जाना है, तो वो आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में पता चल जाएगा। टिल देन भाई को दीजिए इजाजत और भाई के टेस्ट के लिए दुआ भी कीजिएगा कि भाई के अच्छे नंबर आ जाएं। तो अलबत्ता जो भी होगा इंशाल्लाह आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा कि भाई का रिजल्ट क्या आया। ना खूब सारा ख्याल रखें, भाई को अपनी दुआ में याद रखें और रब रखा।